हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना गाजा पट्टी पर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रही है। 7 अक्टूबर को हुए हमले में इजरायल के करीब 1400 नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद इजरायल ने हमास के आतंकी ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना टेडी बेयर बुलडोजर नाम से जाना जाने वाला एक खास हथियार का इस्तेमाल कर रही है, जो हमास पर कहर बनकर टूट रहा है। आइए जानते हैं इजरायल के इस खास बुलडोजर के बारे में। दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल इजरायल अपने इनोवेटिव हथियारों के लिए जाना जाता है। इजरायल किसी भी सामान्य चीज को हथियार में बदलने की क्षमता रखता है, और ऐसा ही किया उसने अपने एक बुलडोजर के साथ। ये बुलडोजर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के साथ साथ आतंकियों को मौत के घाट उतारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। इस खास बुलडोजर का नाम है IDF कैटरपिलर D9। इजरायल में इसे प्यार से डूबी बुलाते हैं, जिसका हिब्रू में मतलब होता है टेडी बेयर। ये एक बख्तरबंद बुलडोजर है जो आधुनिक हथियारों से लैस होता है। ये बुलडोजर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बेहद सफल माना जाता है। इसमें करीब 410 हॉर्स पावर की ताकत है, और इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। इजरायली फोर्सेस का ये खास हथियार बुलेट प्रूफ होता है, जो बम, मशीन गन और स्नाइपर की गोलियों से इजरायली सैनिकों को बचाता है। इतना ही नहीं, इस बुलडोजर के चारों तरफ ऐसे कवच लगाए गए हैं जिस पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG तक का असर नहीं होता। और तो और, जंग के दौरान अगर कोई बारूदी सुरंग फटे तो भी इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कैटरपिलर D9 बुलडोजर को गड्ढे करने, रेत के बैरियर बनाने, किलेबंदी करने, रेस्क्यू मिशन, पलटी हुई गाड़ियों को उठाने, IED बमों को उड़ाने, विस्फोटकों को निष्क्रिय करने या रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जंग के दौरान सैनिकों के लिए रास्ता साफ करते हुए चलता है। इजरायली सेना में ये बुलडोजर 1954 से शामिल है। तब से इजरायली सेना ने इसे कई खास मिशन पर इस्तेमाल किया है। सिनाई युद्ध, 6-डे वॉर, योम किपुर वॉर और ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है।